एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर के बारे में। मैं हूं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर कचेन। आज हम लोग एस्टिमेशन के रिगार्डिंग साइट क्लीनिंग से कवर करेंगे कि कैसे हमें क्या क्या आइटम्स एस्टिमेशन सॉल्व करने टाइम लेने चाहिए और उसकी यूनिट कैसे उसमें मेजर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, आइटम हमारा आता है साइट क्लीनिंग का। साइट क्लीनिंग हम लोग हमारे प्लॉट से एक एक मीटर चारों तरफ एक्स्ट्रा करते हैं और इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आइटम आता है एक्सकवेशन का। एक्सकवेशन को हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। इसकी थ्री डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और इसकी डेप्थ। जैसे आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, इसकी डेप्थ जो है हमारे एक्सकवेशन की डेप्थ हम लोग ये लेंगे और लेंथ और विड्थ जो हमारी गिवन रहेगी हमारे ड्रॉइंग्स में। चूंकि हम लोग एक्सकवेशन अब करा चुके हैं, अब हमें करना होगा सैंड फिलिंग। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सैंड फिलिंग 100 mm। सैंड फिलिंग का क्राइटेरिया होता है कि आप 100 mm से 200 mm तक सैंड फिलिंग कर सकते हैं, ताकि कभी अर्थक्वेक अगर फ्यूचर में आता है तो हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्ट कोलैप्स ना हो, जर्क रेजिस्ट कर सके, इसलिए सैंड फिलिंग कराई जाती है। उसके बाद हम लोग PCC की लेयर करते हैं, ताकि हमारे फुटिंग कंक्रीट को एक इवन बेड मिल सके। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, PCC हम लोग 100 mm की कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फुटिंग शटरिंग लगाते हैं जो हमारे रेक्टेंगल पार्ट में लगेगी, यहाँ हम लोग शटरिंग लगाएंगे। फिर हम लोग फुटिंग कंक्रीट कास्ट करेंगे, रेक्टेंगल फुटिंग है और ऊपर इसका पार्ट ट्रेपेज़ॉइडल है। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग दो पार्ट में करते हैं। पहले पार्ट में आता है रेक्टेंगल फुटिंग, इसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं नंबर ऑफ फुटिंग्स इंटू इसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू इसकी डेप्थ। जितनी इसकी डेप्थ रहेगी इतना हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो होता है D/3 A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 A2। यहाँ D हमारा डेप्थ ऑफ ट्रेपेज़ॉइडल पार्ट होता है। जैसे ये डेप्थ ऑफ ट्रेपेज़ॉइडल पार्ट है हमारा, A1 हमारे ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग के बॉटम फेस का एरिया है, लेंथ इनटू विड्थ इसकी। A2 हमारे ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग के टॉप पार्ट का एरिया होता है। और यहाँ पर इसको रूट ऑफ A1 A2 का मल्टीप्लाई करके हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला स्टेप हमारा आता है पेडेस्टल कॉलम। पेडेस्टल कॉलम जो हमारे ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग के टॉप से ग्राउंड लेवल तक टच करता है, वो हमारा पेडेस्टल कॉलम होता है। इसके लिए हम लोग सिंपल इसकी लेंथ इंटू विड्थ और इसकी हाइट, नेचुरल ग्राउंड लेवल से फुटिंग के ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग के टॉप तक की हाइट हम लोग मेजर कर लेते हैं। इसको भी हम लोग क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। और इसके बाद इसकी शटरिंग आती है दोस्तों। पेडेस्टल कॉलम की शटरिंग हम लोग इसकी पेरिफेरी मेजर कर लेते हैं, राइट। पेरिफेरी 2 × L + B और इसकी जो हाइट रहेगी ग्राउंड लेवल की, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास, हम नेचुरल ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब हमें बैकफिलिंग लेनी पड़ेगी। इसमें हम फिलिंग करेंगे, जो हमारा एक्सकवेशन का पार्ट है उसमें फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए हम लोग टोटल एक्सकवेशन का जितना हमारी क्वांटिटी होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे सैंड फिलिंग की क्वांटिटी माइनस PCC की क्वांटिटी माइनस फुटिंग कंक्रीट माइनस पेडेस्टल कॉलम का कंक्रीट। तो हमारा बचे हुए एरिया में कितनी क्वांटिटी आ रही है बैकफिलिंग की, ये हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ग्राउंड लेवल से हमारे प्लिंथ लेवल तक क्या क्या आइटम्स आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वन लाइन ब्रिक वर्क। इसे हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे ग्राउंड बीम को एक स्टेबल बेस मिल सके। जब हम लोग इसकी कास्टिंग करेंगे तो हम इसके दोनों साइड में शटरिंग लगाएंगे, लेकिन बॉटम साइड में मैं शटरिंग नहीं लगा पाऊंगा, तो मैंने वन लाइन ब्रिक वर्क कर दिया बीम की विड्थ के बराबर। हमारे के दोनों साइड हम लोग शटरिंग लगाएंगे और हमारी ग्राउंड बीम को कास्ट कर देंगे। अगला आइटम हमारा आता है ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम में हम दो आइटम कैलकुलेट करते हैं। पहला इसकी कंक्रीट होता है, जिसको हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। इसमें सिंपल क्रॉस सेक्शन दिया होगा ग्राउंड बीम का, उससे हम लेंथ और विड्थ मेजर कर लेंगे, इसके क्लियर स्पान से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारे ग्राउंड बीम की कंक्रीट आ जाएगी। अब बात करते हैं ग्राउंड बीम शटरिंग की। तो ग्राउंड बीम शटरिंग कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि मैंने शटरिंग ग्राउंड बीम के साइड ही शटरिंग लगाई है, बॉटम में शटरिंग मैंने नहीं लगाई है, तो मैं सिंपल हमारे क्लियर स्पान का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी हाइट से,
जितना सरफेस से कॉन्टैक्ट एरिया हमारे ग्राउंड बीम का होगा उतनी हाइट हम लोग क्लेम करेंगे 2 इंटू क्लियर स्पान इंटू हाइट ऑफ ग्राउंड बीम। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। डीपीसी बॉटम तक के जो हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे वो ब्रिक वर्क हम कैलकुलेट करेंगे क्यूबिक मीटर में। और उसके बाद हमारा आता है आइटम डीपीसी। डीपीसी क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमारे सब स्ट्रक्चर पार्ट जो सॉइल से कॉन्टेक्ट में होगा तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर हमारे सुपर स्ट्रक्चर हमारी वॉल्स में हमारे घर में एंटर न कर जाए, इसके लिए हम लोग 50 mm की 1:2:4 ग्रेड की कॉन्क्रीट की एक लेयर डाल देते हैं जिसको हम डीपीसी बोलते हैं कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर हमारा घर में एंटर न करे। और सबसे लास्ट पार्ट आता है हमारे सुपर स्ट्रक्चर का बिटुमिन कोट। बिटुमिन कोट अगर हमारा पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू डीपीसी को भी क्रॉस कर गया तो हम लोग यहाँ बिटुमिन की लेयर डीपीसी के ऊपर डाल देते हैं जिसमें लिखा हुआ है VG10। इसका मतलब होता है विस्कोसिटी ग्रेड 10 का बिटुमिन हमको यूज करना चाहिए इसके लिए जब हम डीपीसी के ऊपर बिटुमिन कोट अप्लाई करेंगे। इसी तरह की कई सारी जानकारियाँ होती है दोस्तों, कई सारे आइटम्स होते हैं जो हमारे सिविल इंजीनियर्स को पता नहीं होते हैं, वो क्लेम नहीं कर पाते हैं उस आइटम का के बिल के लिए, उस आइटम के एस्टिमेशन के लिए। तो आप भी आप अपनी स्किल्स इन्हेंस करना चाहते हैं तो आइए सिविल गुरुजी, यहाँ पर आपको कम्प्लीटली 3 मंथ की ट्रेनिंग्स दी जाती है। इसमें बिल्डिंग के हर एक आइटम को अलग अलग आइटम वाइज डिटेल एस्टिमेशन हम करवाते हैं ताकि आप लोगों को एक एक आइटम का पता हो सके कि बिल्डिंग में कौन कौन से आइटम लगते हैं। उसका रेट हम लोग DSR से लेते हैं और हमारा टोटल बन जाता है बिल ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह और वीडियोस के साथ मैं आपको फिर से मिलता रहूँगा दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।